इसके बहन बहुत से उपाय हैं जिनसे ये स्थिति को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति अभी जाके भटका है वो अच्छा ही आदमी रहा, जो भटकने की उम्र है वहाँ भटक जाते तो कोई बात नहीं थी। पर आपकी भी बहन कुछ कमियाँ होंगी, आप उन कमियों को भी ठीक करें, क्योंकि जब भी कोई पति बाहर भटकता है, पत्नी बाहर भटकती है, तो कभी कभी कुछ कमियाँ जरूर होती हैं। क्योंकि मैंने कनुप्रिया ऐसी स्थिति में जिन लोगों के डाइवोर्स हुए या कुछ स्थिति में हुए, क्योंकि मैं दोस्तों इस विद्या का विद्यार्थी हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ कि एक व्यक्ति का तो नुकसान हो गया, दूसरे व्यक्ति का ना हो। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी कोई तो गलती होगी, अभी तो सब कुछ हो गया, आप बता दो। कहते हैं मेरी कोई गलती नहीं थी। और साल दो साल बाद वही व्यक्ति बताते हैं कि नहीं, मेरी भी जहाँ गलती थी। मन से हम जानते होते हैं कनुप्रिया। देखो एक बात आपको बताऊं, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी गलती हो आपको पता ना हो? तो अगर आप गलती उसी टाइम बहादुर व्यक्तियों की तरह मान जाते हैं तो आप सुखी हो जाते हैं, क्योंकि सबसे स्ट्रांग व्यक्ति दोस्तों, सबसे मजबूत व्यक्ति, सबसे बलवान व्यक्ति वो है जो अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है। कमजोर आदमी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते, दूसरों के ऊपर दोष देते हैं। और बहादुर व्यक्ति, निर्भय व्यक्ति, खुदा के करीब व्यक्ति, गुरु के चरणों में लगा हुआ व्यक्ति अपनी गलती को तुरंत मान लेगा। आप एक बात को देख लेना कि जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, गलती मान लेता है, वो एक ना एक दिन बहुत ऊंचा जाएगा, बहुत तरक्की करेगा। तो जो व्यक्ति दूसरों के ऊपर दोष देता है, अपनी गलती को नहीं मानता है, वो व्यक्ति वहीं का वहीं रह जाएगा। ये शास्त्र भी कहते हैं, और मेरा अपना आप लोगों के द्वारा कितने सालों का अनुभव हुआ। अगर आप जिंदगी में सुखी रहना चाहते हैं तो अपनी गलती को दोस्तों तुरंत स्वीकार कर लेना।